Bismillahirrahmanirrahim. Now this is for our next topic in organic chemistry after alcohol. It's carboxylic acid. In the last reaction of alcohol, we study that when we oxidize alcohol, they form a new family of organic compound which is called carboxylic acid. So we took the example of ethanol, and after oxidation, ethanol form ethanoic acid. So now this is our separate topic. कहिए कि हमारी चौथी होमोलोगस सीरीज है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्केन था, अल्कीन था, अल्कोहल था. ये एक होमोलोगस सीरीज है, यानी एक फैमिली है पूरे कंपाउंड्स की, जिसमें हर मेंबर के इस फॉर्मूले में सारी फीचर्स सेम हैं, सिर्फ CH2 का डिफरेंस है. ये एक ही फंक्शनल ग्रुप रखते होंगे, इनका एक ही जनरल फार्मूला होगा, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. तो ये सब कुछ अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से पढ़ेंगे, जो हम इससे पहले अल्केन, अल्कीन और अल्कानॉल या अल्कोहल के हवाले से पढ़ चुके हैं. सो हाउ कैन वी डिफाइन कार्बोक्सिलिक एसिड? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन बनती है इस तरह के दी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आर ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with the carboxyl functional group. देखिए, जिस तरह हमने अल्कोहल में कहा कि ये कंपाउंड का वो ग्रुप है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट हैं और OH इनका फंक्शनल ग्रुप है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. अलबत्ता यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH की जगह कार्बोक्सिल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होगा नाम जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल होगा. ये कार्बोक्सिल क्या है, तो ये इसे कहते हैं. जिस तरह अल्कोहल की पहचान थी कि उनके स्ट्रक्चर में OH ज़रूर होगा कहीं ना कहीं along with carbon and hydrogen, इसी तरह इनकी निशानी ये है कि इनके स्ट्रक्चर में लाजमी तौर पर ये कंपाउंड, ये ग्रुप होगा, ये कहलाता है कार्बोक्सिल ग्रुप. इसे हम मिलाकर, यानी ये जो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शो किया, यानी आप यूँ देख लीजिए कि इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसने अपने चार में से दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड OH के साथ बनाया है और एक रह गया जो वो अपने कंपाउंड के, जिस भी कंपाउंड के साथ जुड़ेगा उसके साथ बनाएगा. हम इसे शॉर्ट में अगर बॉन्ड शो ना करना चाहें तो ऐसे भी लिखते हैं COOH. तो अब हर वो कंपाउंड जिसमें आपको इस तरह COOH लिखा हुआ नज़र आए या इस तरह COOH लिखा हुआ नज़र आए, वो कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. ये इनकी पहचान हो गई. तो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. ये सिंपल डेफिनेशन हो गई. हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये COOH ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा. अब एक ख़ास बात क्या है कि वो जो IUPAC था जिसमें हम हर एक के नाम देते थे, अल्कोहल का नाम रखा गया था अल्कानॉल, तो IUPAC में तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम रखा गया है अल्कानोइक एसिड. यानी आप यूँ देखेंगे कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका नाम भी बेसिकली अल्केन के नाम से ही निकलेगा. यानी आप ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन हैं. एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम था मीथेन. आपने देखा मैंने अल्केन को जो हाईलाइट किया है तो उसके अल्केन के आखिर में जो ई आता था मैंने वो उड़ा दिया है और उसकी जगह पर हमने रखा है ओएक एसिड, ये वाला हिस्सा. इसका मतलब है अगर आपके पास मीथेन से, यानी एक कार्बन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो उसका नाम होता था मीथेन. आप क्या करेंगे, आप इसका ई उड़ा देंगे और इसके आगे लगा देंगे ओएक एसिड.
तो एक कार्बन वाला कार्बोऑक्सिलिक एसिड कहलाएगा मीथेनॉइक एसिड। हम ये बात ऐसे नहीं करेंगे, बाकायदा जिस तरह बाकी तीनों होमोलोगो सीरीज में किया है, द फर्स्ट फोर मेंबर्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर नेम्स आर इन आर सिलेबस, तो वो बनाते हैं ताकि हमें समझ में ये बात भी आ जाए कि कार्बोऑक्सिलिक कंपाउंड में जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप होता है, वो कैसा है, और इसके चंद मेंबर्स के अगर नाम, स्ट्रक्चर और फॉर्मूले बनाएंगे हम, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ होमोलोगो सीरीज इट इज़। तो आइए, हेयर वी हैव, तो सबसे पहले फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें सारे बॉन्ड शो करेंगे, फिर हम इसका शॉर्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हम बॉन्ड शो नहीं करेंगे या कम शो करेंगे, फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सिर्फ एटम्स के नंबर सिंबल्स और तादाद आती है, हर तरह से आपको इनसे वाकिफ़ होना है, और फिर आखिर में नाम। सो ये अब हमारा चैलेंज बनेगा। सो द फर्स्ट वन जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा, तो वो एक कार्बन जो है वो ही होगा जिसने कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप बनाया होगा, यानी कि ऐसे, और उसके जो चौथी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो ये एक तरह से एक कार्बन वाला कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसे शॉर्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखना चाहें तो बॉन्ड शो नहीं करते, ऐसे लिख देते हैं, और अगर हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सूरत में लिखना चाहें तो फिर आपको नज़र आ रहा है ये बनेगा CH2O2, और इस सूरत में इसका नाम होगा, जब इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका नाम है मीथा नॉइक एसिड, मीथेन से मीथानोइक एसिड। ये पहली एग्जाम्पल हो गई। अच्छा भाई, अब एक अगला, तो मैं फिर वही आपको याद दिलाऊंगा, दो कार्बन यूं देख लेते हैं कि ये था इथेन, आपको भी याद आ जाएगी बात। हमने क्या कहा है कि इथेन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो इस तरह बनेगा कि एक कार्बन तो ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरे कार्बन का हाल चेंज करेंगे हम और उसे बनाएंगे कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो उसने क्या करना है, उसने एक तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाना है और दूसरी तरफ OH के साथ मिलना है। इस तरह अब ये टोटल दो कार्बन्स हो गए, और इनकी वजह से ये जो हमने नज़र आ रहा है COOH भी मौजूद है। इसे हम शॉर्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ऐसे लिखें कि ये जो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है ने मिला के CH3 लिख दिया, और फिर COOH, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसे मिला के लिख दिया। इवन अगर आप इसके बीच में भी डैश ना लगाएं और इसे ऐसे लिख दें जैसा कि हम अमूमन लिखते आए हैं आज से पहले एसिड के चैप्टर में, तो भी चलेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है C2H4O2, और नाम बनेगा इथानोइक एसिड। अब कुछ कुछ मेरे ख्याल में आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अब तीसरे नंबर पर जो है उसमें टोटल तीन कार्बन होंगे, जिसमें से आखिरी वाले कार्बन को हम कार्बोऑक्सिल ग्रुप में के ज़रिए से जोड़ेंगे, तो ये नाम बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। और अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखूँगा तो मैं फर्स्ट वाला CH3 है, सेकेंड वाला CH2 है, और फिर आखिर में COOH। मॉलिकुलर फार्मूला C3H6O2, और नाम बन जाएगा प्रोपा नॉइक एसिड। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको नज़र आएगी, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अब जायज़ा ले सकते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज ही है। तो अब आप कंपेयर कीजिए फॉर्मूलों को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम इस पहले वाले फॉर्मूले से, यानी कि मिथेनॉइक एसिड के फॉर्मूले से, इथेनॉइक एसिड के फॉर्मूले पे आ रहे हैं, तो COOH दोनों तरफ है, यहाँ CH3 है और यहाँ सिर्फ H है, तो दोनों में क्या फ़र्क आया, CH2 का फ़र्क आया। इसी तरह ये यहाँ और यहाँ देखना बहुत आसान है,
सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, यहाँ भी सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई है, सी एच टू आ गई है। इसका मतलब है येस दे आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न के एक से दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हुए सी एच टू का डिफरेंस आ रहा है। और अब अगर मैं चौथे वाले का भी लिखूँ तो ये डिफरेंस आपको फिर नज़र आएगा, चार कार्बन वाला कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ऐसे बनेगा कि उसमें आप तीन कार्बन्स तो अल्केन की तरह बनाएंगे और आखिरी वाले के साथ सी डब्ल्यू एच होगा। और जब हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सी फोर एच एट ओ टू। और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं सी थ्री एच सेवन सी डब्ल्यू एच, ताकि ये पता लगे कि ये सी डब्ल्यू एच वाला फॉर्मूला कंपाउंड है ये। तो ये मिलाकर मैंने सी थ्री एच सेवन लिख दिया, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और नाम क्या बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड। और अब अगर आप कंपेयर करें इससे, तो यहाँ सी एच थ्री सी एच टू सी डब्ल्यू एच था, यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू और एक सी एच टू एक्स्ट्रा आ गया, तो एक से दूसरे मेंबर की तरफ जाते हुए एक सी एच टू एक्स्ट्रा आ गया। अब इसी बात से यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं सी टू एच फाइव सी डबल ओ एच। तो जितने तरीक़ों से ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है हमने आपके सामने लिखा है। आपको इसीलिए कम चीज़ें दी जा रही हैं ताकि आप जितनी चीज़ें पढ़ें उन्हें अच्छी तरह पढ़ें। तो अब चेक करते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें सी डब्ल्यू एच यानी कार्बो ऑक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड, चार फर्स्ट चार मेंबर्स के नाम हमने लिख दिए। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं, पाँच वाले को पेंटा कहते थे तो वो पेंटानॉइक एसिड होगा, छः को हेक्सा कहते थे वो हेक्सानॉइक एसिड होगा। ऑल दो दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हमें इनकी नो हाउ की समझ आती है। नंबर वन। नंबर टू, हर स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जाते हुए सी एच टू का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस सीरीज। इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है, सी डब्ल्यू एच, दैट्स व्हाई दे आर होमोलोगस सीरीज। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखना चाहते हैं कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब अगर आप इन सब पर गौर फरमाएं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कानोइक एसिड या कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वो है सी एन एच टू एन प्लस वन सी डब्लू एच। आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं अगर आप नोटिस करें तो इसमें ये फॉर्मूला इस पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है जो मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर स्टाइल बनाया ना। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि सी डब्ल्यू एच तो लाजमन होगा, सी डब्ल्यू एच के साथ जो चीज़ होती है जैसे यहाँ पर है सी थ्री एच सेवन, तो आप खुद चेक कीजिए कार्बन कितने हैं थ्री, तो हाइड्रोजन कितने हैं थ्री को डबल करें तो सिक्स, सिक्स में वन जमा करें तो सेवन। इस तरह अगर आपके दिल में आए पेंटानॉइक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं सर इसकी मदद से, तो याद रहे जब आप कहेंगे पेंटानॉइक एसिड तो उसमें टोटल पाँच कार्बन होंगे, पाँच कार्बन होंगे उनमें से एक तो ये हो गया जो सी डब्ल्यू एच में, तो बाकी बचेंगे चार, तो वो चार से आप ये फॉर्मूला बनाएंगे सी फोर और एच को डबल करें एट और एट में वन जमा करें तो ये बना सी फोर एच नाइन सी डब्ल्यू एच। तो इस हिस्से में चार कार्बन है, पांचवा कार्बन सी डब्ल्यू एच है, टोटल पांच कार्बन हो गए, इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा उसका जिसको हम कहेंगे पेंटानोइक एसिड। ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका। और अब जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहते रहे, इधर भी वही हिसाब है कि चूंकि ये होमोलोगस सीरीज है इसलिए इसके लिए भी आप ये कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन। और अब हम सिर्फ इसकी बात करना चाहेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन, कि हम इन एसिड्स को बनाते कैसे हैं और ये किस तरह रिएक्शन करते हैं। तो हम इसमें जिस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अपनी सारी बातें आपको बताएंगे, और ये सब आपकी पढ़ी हुई है, यानी ये हिस्सा अगर मैं ना पढ़ाऊँ छोड़ दूँ तो डजन मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ये हम पढ़ के आ रहे हैं। सो ए टेक्निकली स्पीकिंग हमारा काम ख़त्म हो गया है। ऐसी बात कर रहे हैं सर आप, ऐसी बात कर रहे हैं कि अब जब हम मैं आपसे कहूँगा कि प्रिपरेशन, तो ये प्रिपरेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल के
सेकेंड लेक्चर में पढ़ी कि इथेनॉइक एसिड या तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का क्या तरीका है कि आप अल्कोहल लीजिए और उसकी मदद उसकी कीजिए ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीडेशन का एक तरीका ये है कि आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7। हमने एरो पे इसीलिए लिखा है कि ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और अल्कोहल बन जाता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और दूसरा तरीका हमने आपसे क्या कहा था कि अल्कोहल अगर हवा में रखा जाए कुछ देर तक, तो हवा में मौजूद कुछ दिनों तक कह लें आप, बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये दोनों रिएक्शन हमने अल्कोहल में लिखे हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। और अगर आप एग्जाम्पल फिर भी लिखना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल ये बनी थी कि दिस इज इथेनॉल। हम इथेनॉल की एग्जाम्पल से इससे समझा रहे हैं क्योंकि उससे सबसे मशहूर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दैट इज इथेनॉइक एसिड। ऑक्सीजन के एटम हमें मिले किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से, K2Cr2O7 से, और उसके नतीजे में हमें जो कंपाउंड मिला है वो है इथेनॉइक एसिड। हम इसे शॉर्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूले की सूरत में भी लिख सकते थे जैसे हमने पिछली दफ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ हमने कंप्लीट फॉर्मूले की सूरत में लिख दिया। और दूसरे अंदाज से अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ये तो हमने इस वाली इक्वेशन को फॉलो किया है, अगर हम ये बनाते हैं तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास इथेनॉल है और आप उसे कुछ दिनों तक एयर में रखते हैं तो उसकी ऑक्सीजन के साथ किसी बैक्टीरिया की मौजूदगी में ये आपको इथेनॉइक एसिड बनाकर देगा। दिस वन विद वाटर, तो एक ही जैसी इक्वेशन है, बस ऑक्सीजन का सोर्स अलग अलग है फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है ये तो हमारा पढ़ा हुआ था, हमें फोकस करना है अब किस चीज पर, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। और ये हमने क्यों पढ़े हुए हैं, क्यों ये बात मैंने आपसे कही, इसलिए कि इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते थे और एसिड के चैप्टर में हमने इनका तस्करा किया था। तो अब अगर ये एसिड है तो ये हर वो रिएक्शन करेंगे जो एसिड करते थे। अब आपको याद है हमने एसिड में तीन रिएक्शंस पढ़े थे, हर एसिड मेटल के साथ मिलता है, रिएक्टिव मेटल के साथ, तो बनाता है हाइड्रोजन गैस और अपना सॉल्ट। हर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ मिलता है तो अपना सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर। और हर एसिड अल्कली या बेस के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ये वो तीन रिएक्शन हैं जो हर एसिड ने करने हैं, और ये हम एसिड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद बेशुमार दफ़ा इसका तस्करा हुआ। यही तीन रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ हम एसिड के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यह हम आपको दोबारा से याद दिला रहे हैं। सो इथेनॉइक एसिड बीइंग एन एसिड डू ऑल दोज रिएक्शन जो कोई भी एसिड करता है, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल्स। तो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे मशहूर एग्जाम्पल है, और उसका रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाता हूँ, तो देखें क्या बनता है। तो इथेनॉइक एसिड यूँ लिखूँगा, अब ये भी स्ट्रक्चर में ही शुमार होता है मगर मैंने बॉन्ड शो नहीं किए हैं, एहतियातन मैं आपको उस अंदाज से भी इक्वेशन लिख दूंगा, लेकिन हम यहाँ इसी को प्रेफर करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो ज़रा मुनासिब नहीं रहती बात। तो इसका रिएक्शन जिस मेटल से करा रहे हैं वो है मैग्नीशियम। अच्छा, अब आपको एक बात याद ये रखनी है, भूले तो खैर आप नहीं होंगे लेकिन फिर भी, कि ये जो इथेनॉइक एसिड को हम एसिड कह रहे हैं, तो ये भी चीज़ कभी कभी पूछी जाती है कि अगर ये एसिड है तो शो कीजिए कि ये पानी में जाकर अपने एच पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करता है। तो आप इसके एसिड होने की प्रूफ के तौर पर ये इक्वेशन लिखते हैं, और इससे आपको बहुत सारी बातें भी याद आ जाएंगी।
जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते थे तो हम आपसे कहते थे कि जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ये एसिडिक होता है, ये पानी में जाकर एच प्लस बनकर अलग हुआ और ये जो बाकी चीज़ बनी बची सी एच थ्री सी डबल ओ, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। तो ये तो इक्वेशन से जाहिर हुआ कि इथेनॉइक एसिड पानी में जाके चूंकि एच पॉजिटिव आयन दे रहा है इसलिए ये एसिड है। अच्छा, इसके साथ ये जो एनायन बना है इसका नाम है, इथेनॉइक एसिड से ही निकला है, इसका नाम होता है इथानोएट आयन। सो कहते हैं इथानोएट आयन, और इसका चार्ज क्या है? -1। मैंने ये इक्वेशन आपको इसीलिए याद दिलाई कि अब ऊपर वाली चीज़ें और इक्वेशन बनाने में आपको मदद मिलेगी। अब मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का मेटल है, इसका चार्ज +2 होता है। तो अब आप हिसाब लगाइए, जो इस जब ये रिएक्शन हम करते हैं किसी भी एसिड का मेटल के साथ तो हम क्या कहते हैं, वो अपना सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो तो मैंने अलग कर दी, वो तो बनाया इसने, इस हाइड्रोजन ने, दो मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एच अलग हुआ तो इथेनॉइक एसिड में बना इथेनॉएट और दूसरा कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, इन दोनों को मिलाने से ऐसे चीज़ बनेगी, CH3COO को 2 दफ़ा लेना पड़ेगा और मैग्नीशियम को 1 दफ़ा लेना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज +2 है और इसका चार्ज -1 है। आपको याद है हम क्रिस क्रॉस मेथड करते थे, तो ये नाम बनेगा मैग्नीशियम इथानोएट। और अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और इस 2 की वजह से ये ऐसा होगा कि CH3COO से H निकलेगा, 2 CH3COO होंगे तो 2 H निकलेंगे, वो मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो ये इक्वेशन हमने एसिड के चैप्टर में भी पढ़ी थी, अब यहाँ दोबारा हमने आपको ये लिखा दी। और अगर आप में ये ख्याल आ जाए कि हम इसे फुल स्ट्रक्चर के साथ लिखें, अगर कोई कहे, अगर नहीं कहे तो फिर वही तरीका बेहतर है जिससे हम इक्वेशन लिख कर आ रहे हैं। तो ये है हिसाब किताब, ऐसे लिखा, इसका रिएक्शन कराया मैग्नीशियम से। तो अब आपको वही बात और अच्छे तरीके से यहाँ नज़र आएगी कि ये पूरी चीज़ -1 के चार्ज के साथ अलग होगी और ये चीज़ है +1 और ये मैग्नीशियम का चार्ज +2 है। तो इसके हम 2 मोल्स लेंगे ताकि ये जो है ये 2 दफ़ा आ जाए और ये 2 दफ़ा एक मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा। तो ये एक इन ट्वाइस अटैच्ड विद Mg एंड हाइड्रोजन। तो हम बॉन्ड शो करके भी इक्वेशन दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो ब्लू से मैंने शो किया ये आपको समझाने के लिए शो किया है, इसका मतलब ये है कि जब आप इक्वेशन लिखें तो इस तरह से जो ब्लू से मैंने चार्जेस दिखाए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। दूसरा रिएक्शन इनका, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। आपको याद आएगा कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो अब हमने यहाँ पर जिस मेटल कार्बोनेट का तस्करा किया है फॉर एसिटिक इथेनॉइक एसिड, अब हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, वही सीधी सी बात है, ये बात तय है, वेन एवर यू रिएक्ट एनी थिंग विद एनी एसिड विद कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर डेफिनेटली फॉर्म्ड। साथ में बनता है सॉल्ट, वो सॉल्ट किसका होगा, उसमें इथेनॉइक एसिड से वही इथेनॉएट और यहाँ से मेटल सोडियम। अब CH3COO, इथेनॉएट का चार्ज -1 है और सोडियम का चार्ज +1 है, तो ये तो दोनों 1:1 के रेशियो से मिल जाएंगे। तो जो चीज़ बनेगी वो होगी CH3COONa, जिसका नाम होगा सोडियम इथानोएट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। तो ये सब हमने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए दोबारा बता रहे हैं। तीसरा और आखिरी रिएक्शन सबसे मशहूर वाला था, जिसको आप कहते थे न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आप किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ मिलाते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड का जो एच होगा, एसिडिक एच,
और बेस का जो OH होगा ये मिलाकर बनाएंगे वाटर, और बाकी दोनों चीज़ें आपस में यानी कि ये इथेनॉएट और ये सोडियम आपस में मिलेंगे। और अभी भी बताया था CH3COO का चार्ज -1 है और सोडियम का +1 है, इसलिए ये दोनों मिलकर बनाएंगे CH3COONa। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द हेडिंग, इट्स न्यूट्रलाइजेशन। ये वो दो तीन ऑर्डिनरी से रिएक्शन हैं जो हर एसिड ने हर हाल में करने हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या वो वाले एसिड होते जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़े थे। तो ये सारी इक्वेशंस हमने सब एसिड्स के साथ क्लास में अच्छी तरह की हुई हैं और बार बार रिपीट की हैं, तो यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन हमने इन्हें दोबारा डिस्कस किया। अब जो आखिरी चीज़ रह गई, एक आखिरी रिएक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट जिससे हमारा ये टॉपिक ऑर्गेनिक ख़त्म होगा, वो बड़ा दिलचस्प इस तरह है कि वो आखिरी रिएक्शन है वो रिएक्शन जिसमें हमारे लास्ट दोनों होमोलोगस सीरीज आपस में रिएक्शन करेंगे। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन का एक कज़न है, समझिए। ये रिएक्शन आपने देखा क्या था कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। यहाँ अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता है तो वाटर बनाता है, और वाटर के साथ जो चीज़ बनाता है वो कहलाती है एस्टर। तो ऊपर सॉल्ट था, यहाँ एस्टर है। एस्टर एक और होमोलोगस सीरीज है। हमने आपसे कहा था आपके सिलेबस में चार होमोलोगस सीरीज हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये कहाँ से आ गई? तो ये ऑफिशियली एज ए टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसका तस्करा इतना ही करना है कि ये इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है। तो आपको एस्टर का सिर्फ इतना नो हाउ होना चाहिए कि वो किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सा अल्कोहल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर उसे बनाता है, सिर्फ इस रिएक्शन की डिटेल। हमें एस्टर को बाद में एज ए टॉपिक नहीं पढ़ना, इसलिए हम इसे अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग होमोलोगस सीरीज डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। तो समझिए ये 4.5 फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में। तो एस्टर इस रिएक्शन के नतीजे में चूंकि बनता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। सो स्टेरिफिकेशन इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर। तो दिस इज एन एस्टर और वाटर। सो लेट मी करेक्ट दी स्पेलिंग, जरा सा ओवर राइटिंग हो रही है ऐसे। तो अब हमें दो चार एग्जांपल्स के ज़रिए देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो ये भी कुछ ऊपर वाले रिएक्शंस की तरह है कि एक से H जाएगा और एक से OH, ताकि वाटर बने और जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो एस्टर बना देंगी। तो एस्टर को भी छोटा सा हम इस मामले में डिस्कस करना चाहेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए हम ज़रा पहले इसकी इक्वेशन लिखें। तो इक्वेशन कैसे लिखें भाई? तो कोई ना कोई एग्जांपल देके लिखनी पड़ेगी ना। तो अब जितने भी अल्कोहल हैं उन सब में OH होता है, और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उन सब में COOH होता है। तो हमारी एग्जांपल में हम सबसे पहले एक इथेनॉइक एसिड ले लेते हैं, ये आपके सामने एक अदद इथेनॉइक एसिड, नाम भी बता दिया, और इसका रिएक्शन एक अदद अल्कोहल के साथ कर देते हैं। तो अल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप हो, ये आपके सामने आ गया इथेनॉल, दो कार्बन वाला इथेनॉल, ठीक है ना। मैंने इस तरह दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि जिस साइट पर अल्कोहल का OH ग्रुप हो
वो और कार्बोक्सिलिक एसिड का सी डब्ल्यू एच ग्रुप आमने सामने आए तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी। क्या समझाने में आसानी रहेगी भाई? इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड से OH और अल्कोहल से H जाता है, यानी ये चीज़ अलग हो जाएगी। यानी इथेनोइक एसिड का पूरा ग्रुप था सी डब्ल्यू एच, तो उसमें से वो OH अपना इस्तेमाल करेगा, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था OH, वो उसमें से सिर्फ H इस्तेमाल करेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो। तो हम यहाँ थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और अब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बनेगा भाई। जाहिर सी बात है, जो मैंने रेड से सर्किल किया ये तो पानी बन गया, ये तो आप आराम से लिख दें। फिर साथ में क्या चीज़ बनी भाई? जो कुछ आपको नज़र आ रहा है उन्हें मिला दीजिए, देख लें। मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। जो चीज़ इथेनोइक एसिड में से बचती है आफ्टर टेकिंग आउट OH ग्रुप, वो ये है। OH मैंने हटा दिया इसका। अच्छा, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया किस हिस्से को? जब ये बीच में से HOH हट जाएगा तो अल्कोहल में से क्या बच रहा है? अल्कोहल में से आफ्टर टेकिंग आउट दिस H, वहाँ बेचारा सिर्फ O बचेगा। तो ये O और ये वाला हिस्सा जुड़ गया। तो ये जो पूरा इतना बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, दिस इज़ एन एस्टर। अब एस्टर की पहचान क्या चीज़ बन रही है? तो अगर आप देखें तो इसके दरमियान में कहीं ये ग्रुप होगा सी डबल ओ। सी डबल बॉन्ड के बना रहा है ऑक्सीजन के साथ एक तरफ से, और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। इसके दोनों तरफ यानी सी डबल ओ में सी वाली साइड पर भी कुछ ना कुछ होगा और ओ वाली साइड पर भी कुछ ना कुछ होगा, वो होता रहे, लेकिन बीच में ये सी डबल ओ होगा। इसे हम एस्टर ग्रुप कहते हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और एस्टर की डेफिनेशन यही बन जाती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सी डबल ओ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। तो अब इसका नाम क्या होगा? हमने कहा हम इसका नाम बनाते हैं इस तरह से कि जो अल्कोहल में कार्बन थे वो कितने हैं? दो, तो उनकी वजह से हम इसे कहेंगे इथाइल, यानी दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जो है इथाइल। और जो बाकी हिस्सा है उसमें कितने कार्बन हैं? उसमें भी दो हैं, तो वो बनेगा इथानोएट। क्योंकि अगर आप चेक कर लें तो ये इथानोएट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था उससे मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है हम नाम इस तरह देंगे कि अल्कोहल का जो नाम होगा उसमें जो आ रहा होगा मीथ ईथ, उससे बना देंगे इथाइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नाम आ रहा है उससे बना देंगे इथानोएट। तो अब फर्ज कर लीजिए यहाँ मैं अल्कोहल लेता प्रोपानॉल, वो मैं डेफिनेटली अभी लेने जा रहा हूँ, तो फिर प्रोपानॉल से बनता प्रोपाइल। और अगर फर्ज कर लें यहाँ होता प्रोपानोइक एसिड, तो उससे बनता प्रोपानोएट। इस तरह हम नाम बनाएंगे। तो ये नाम और स्ट्रक्चर बनाना, बस यही लॉजिक आपको आनी चाहिए। तो ये पहली एग्जाम्पल थी जिसमें हमने आपको एस्टर का तारुफ करा दिया। तो अब हम पहले एस्टर की पूरी बात कर लेते हैं, फिर मैं चाहूँगा कि ये रिएक्शन और एग्जाम्पल्स के साथ भी करवाऊँ, क्योंकि इम्तिहान में आपके साथ यही होगा कि वो आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देकर कहेंगे इससे एस्टर बनाकर दिखाओ, या फिर एस्टर देकर कहेंगे सोचिए ये एस्टर किस अल्कोहल से और किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। तो आपको उस सूरत में यही देखना है, याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की तरफ यानी एक्सट्रीम इस वक्त जिस तरह स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो जो ऑक्सीजन की साइड है उधर मौजूद है ये दो कार्बन वाला इथाइल, ये अल्कोहल से आता है। और जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ हिस्सा मौजूद है ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और एग्जाम्पल देखते हैं वन अभी मोर क्लियर, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा मैं सिर्फ अपनी पहले एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ, और वो ये है कि आई शुड डिफाइन व्हाट इज एन एस्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सी डबल ओ एस्टर ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ
अल्कोहल एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इनका जनरल फॉर्मूला अगर कभी पूछ लिया जाए तो है CnH2n+2COO। अब COO को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि ये एस्टर है और CnH2n+2 इससे पहले आएगा। अब जब हम आगे एग्जांपल लिखेंगे तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, एक एग्जांपल से चूंकि पूरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए हम और एग्जांपल देते हैं ताकि अपनी बात को पूरी तरह से आपके सामने क्लियर करें और आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि हम किस तरह मुख्तलिफ एस्टर्स अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल दी, सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। लेट मी चेंज द एग्जाम्पल। तो अब मैं आपके सामने एसिड ले रहा हूँ, वही जो पहले लिया था, यानी इथेनॉइक एसिड। ठीक है ना भाई? अलबत्ता अल्कोहल अब ले रहा हूँ मिथेनॉल। सो आई जस्ट चेंज अल्कोहल, अब वो एक कार्बन वाला मिथेनॉल है। सो दिस इज मिथेनॉल एंड दिस इज इथेनॉइक एसिड। और फिर मैं वही काम कर रहा हूँ कि इधर से H और इधर से O निकाल दिया। तो अब आप देखिए, वो बात फॉर्मेलिटी है बहरहाल कि यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थोड़े से ड्रॉप्स लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, वो हम बहरहाल शो कर दें। लेकिन अब आप बनाएं, क्या बना सकते हैं आप? बनाएंगे इस तरह कि इथेनॉइक एसिड को पूरा पूरा बनाएं, सिर्फ उसका OH छोड़ दें जो हमने हटा दिया। इसी तरह अल्कोहल को पूरा पूरा बनाएं, सिर्फ उसके OH ग्रुप में से O रहने देंगे, H हटा दिया। तो अब ये दोनों टुकड़े आपस में मिला दें तो ये एस्टर बन गया। और उस एस्टर में आपको नज़र आ रहा है कि ये COO ग्रुप हमारे बीच में मौजूद है, ये रहा। ठीक है ना? तो अब इसका नाम देने के लिए हम क्या कहेंगे? ये जो O वाली साइड पर आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक कार्बन वाला है, तो वो बनेगा यानी मिथेनॉल से हमने बना दिया मिथाइल। और ये चूंकि अभी भी वैसे ही दो कार्बन वाला है इथेनॉइक एसिड, तो इससे बनेगा इथेनॉइट। ये नाम हो गया। ये जहन में रहे, इत्तेफाक से मेरी दोनों एग्जांपल्स में मैंने अल्कोहल को राइट साइड पे रखा है और कार्बोक्सिलिक एसिड को लेफ्ट साइड पे रखा है। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम इसे रिवर्स भी कर सकते थे, तो उस सूरत में यही स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। आपको ये लेफ्ट राइट नहीं याद रखना, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है और कौन सी चीज़ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगी हुई। तो याद रहे, ये जो ऑक्सीजन के साथ चीज़ लगी हुई है, यानी कि ये अल्कोहल से आई है, और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चीज़ लगी हुई है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है। अब ये चाहे मैं लेफ्ट पे बनाऊँ या राइट पे बनाऊँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसका मतलब है, अगर कोई आपको ये एस्टर बना कर कहे बताओ ये किससे मिलकर बना था, तो आप कहेंगे ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ चीज़ लगी है, इसमें दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन वाला बन गया इथेनॉइक एसिड, और ये जो ऑक्सीजन के साथ है ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल कहलाता है मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से मिलकर बना। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूं ये है एक स्ट्रक्चर, एक अदद एस्टर का, तो आप हमें बताइए कि ये एस्टर किस अल्कोहल और किस कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है। ये एक एस्टर है, और अब आप पहले इसका नाम सोचिए और फिर बताइए किससे मिलकर बना। तो मैं आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। आपका तरीका ये होगा कि आप जब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर देखेंगे, तो इसका मतलब आप कैसे पहचानेंगे एस्टर को? आप एस्टर को पहचानेंगे इस बात से कि उस एस्टर में COO ग्रुप मौजूद है।
ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि इस सी डब्ल्यू ओ में से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, ये बीच में से अपना कंपाउंड तोड़ दीजिए, ये टुकड़ा अलग कर दीजिए, ये टुकड़ा अलग कर दीजिए। ये जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा गया है ये अल्कोहल है, और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला हिस्सा गया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमने आपको हर रिएक्शन में कहा कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने OH लिया है और अल्कोहल से हमने H लिया है। तो अब जब रिवर्स काम करना है तो वापस कर दीजिए, तो आप अल्कोहल को उसका H वापस कर दीजिए और कार्बोक्सिलिक एसिड को उसका OH वापस कर दीजिए। तो अलग से बना कर देख लेते हैं, अल्कोहल कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 3 कार्बन, और हमने उसको H वापस कर दिया। तो ये कौन सा अल्कोहल बना, प्रोपानॉल, 3 कार्बन वाला, और इसी तरह ये 4 कार्बन वाला सी डबल ओ था यहाँ, और ओ एच हमने इसमें और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। तो इसका मतलब है ब्यूटानोइक एसिड और प्रोपेनॉल को मिलाने से ये एस्टर बना है। तो इसका नाम क्या होगा, अभी अभी हमने आपसे कहा था एसिड का जो नाम होता है, अल्कोहल का जो नाम होता है, अगर वो मीथेनॉल है तो उसे मीथाइल बना देते हैं, इथेनॉल है तो इथाइल बना देते हैं, प्रोपेनॉल है तो प्रोपाइल बना देंगे, तो हम इसे बनाएंगे प्रोपाइल। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब वो इथेनॉइक एसिड था तो इथेनॉइड बनाया, वो प्रोपेनॉइक एसिड होता तो प्रोपेनॉइड बनाते, वो ब्यूटानोइक एसिड है तो इससे बनेगा ब्यूटानोएट। तो पूरा नाम हो गया प्रोपाइल ब्यूटानोएट। ये है तरीका। तो अब अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी, जितनी मैंने आपसे कराई है यही मैक्सिमम है जो है। तो इस तरह ये पूरा हिस्सा ख़त्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एस्टर भी साथ में मिल गया। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आखिरी कह देते हैं, और वो है यूजेस ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो एस्टर्स सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट फॉर ख़ास तौर पर कॉस्मेटिक्स, इसे हम इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स बनाने में क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, और आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग, तो जितने भी आर्टिफिशियल जायके कह लीजिए वो हमें टॉफियों में और दूसरी चीज़ों में मिलते हैं, उसमें कोई एक्चुअल फ्रूट थोड़ा होता नहीं है, तो ये केमिकल डलता है, ये आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 3 बातें हो गई। तो इस तरह अब हमारा ऑर्गेनिक का सेक्शन ख़त्म हो गया। अलबत्ता सिलेबस की आखिरी चीज़ ये है कि वो ऑर्गेनिक से थोड़ी सी मिलती जुलती ज़रूर है लेकिन सेपरेट चीज़ है, और वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स, वो एक टॉपिक है। तो वो टॉपिक इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह होगा, तो हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।